नमस्कार दोस्तों, सेल्फ स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान यानी कि इंडियन पॉलिटी। और दोस्तों ये इंडियन पॉलिटी का भाग सात है। हमने सात वीडियो में पूरा भारतीय संविधान कवर किया है, तो आप यदि इससे पहले के भाग आपको देखने हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो ये पार्ट सेवन है, इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं संघ शासित क्षेत्र और केंद्र व राज्य के बीच संबंध, संघ व राज्यों के बीच अधीन सेवाएं और कुछ महत्वपूर्ण दिवस और कुछ महत्वपूर्ण किताबें और कुछ महत्वपूर्ण अन्य बिंदु। और दोस्तों संविधान में क्या क्या कहां से लिया गया है ये सभी हम इसके अंदर आज कवर करने वाले हैं। और ये एनटीपीसी और एसएससी एलडीसी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसे अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें दोस्तों भाग आठ आता है, ये है संघ शासित क्षेत्र यानी कि अनुच्छेद 239 से 241 तक। अनुच्छेद 239 कहता है भारत का राष्ट्रपति केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार होगा। अनुच्छेद 240 कहता है राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह केंद्र शासित प्रदेशों में नियम तथा कानून बना सकता है। अनुच्छेद 241 कहता है प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। ये एक तरफ केंद्र शासित क्षेत्र है और प्रशासक और न्यायालय। अंडमान और निकोबार यहाँ पे उच्च राज्यपाल प्रशासक है और कलकत्ता हाईकोर्ट न्यायालय लगता है। दिल्ली में उपराज्यपाल व सीएम दिल्ली हाईकोर्ट लगता है। दादर व नागर हवेली में प्रशासक बॉम्बे हाईकोर्ट लगता है और दमन द्वीप में भी प्रशासक और बॉम्बे हाईकोर्ट लगता है। पांडुचेरी में उपराज्यपाल व सीएम मद्रास हाईकोर्ट लगता है। लक्षद्वीप में प्रशासक केरल हाईकोर्ट लगता है। चंडीगढ़ में प्रशासक पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट लगता है। आगे देखते हैं, आगे आपका आता है भाग नौ, जिसमें पंचायती राज के बारे में बताया गया है। भाग नौ ए, ये वाला है। अनुच्छेद 243 पंचायती राज का प्रावधान और भाग 9 बी अनुच्छेद 243 एक नगर पालिकाओं का प्रावधान। फिर आता है भाग 11 केंद्र व राज्यों के बीच संबंध, ये अनुच्छेद 245 से 280 तक है। तो अनुच्छेद 245 देखते हैं, संसद को अधिकार है कि वह भारत के सभी क्षेत्रों के लिए कानून बना सकती है। अनुच्छेद 247 कहता है इसमें सूची होती है केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ये काफ़ी बार इसका अनुच्छेद पूछा गया है तो आपको ध्यान रखना है 247 में केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची होती है। फिर आता है अनुच्छेद 249, यदि राज्य सूची के विषय पर केंद्र कानून बनाए तो इस सूची में इस विषय का प्रावधान है। आगे देखते हैं, आगे आता है अनुच्छेद 250, ये कहता है राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में राज्य सूची के विषय पर केंद्र कानून बना सकती है। फिर अनुच्छेद 252, एक से ज़्यादा राज्य केंद्र से आग्रह करे राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए, ठीक है। अनुच्छेद 262, नदी जल विवाद दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में हो सकता है, इन विवादों को सुलझाने के लिए भारत का सेवानिवृत्ति मुख्य न्यायाधीश अध्यक्ष बनाया जाता है। फिर आता है अनुच्छेद 280 वित्त आयोग, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। प्रत्येक 5 वर्ष बाद राष्ट्रपति एक वित्त आयोग का गठन करता है जिसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। वित्त आयोग का प्राथमिक कार्य सभी राज्यों के बीच धन का बंटवारा करवाना होता है। आगे देखते हैं, आगे आते हैं आपके भाग 14 संघ व राज्यों के बीच अधीन सेवाएं, अनुच्छेद 312 से अनुच्छेद 323 तक। अनुच्छेद 312 कहता है अखिल भारतीय सेवाएं जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईएएस की फुल फॉर्म है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इन सभी सेवाओं की शक्ति राज्यसभा में है। राज्यसभा की शक्ति है कि वे किसी सेवा को भी इसमें शामिल कर सकते हैं, यानी कि किसी भी सेवा को इसमें शामिल कर सकते हैं। फिर आगे आता है अनुच्छेद 315
संघ के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग होगा, प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा यूपीएससी, जिसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष तक होगा। ये यूपीएससी ये वाला है, ठीक है, हिंदी में लिखा है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 316 कहता है, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचित किया जाएगा और राज्य में राज्यपाल निर्वाचित करेगा। अनुच्छेद 317 कहता है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर भारत का राष्ट्रपति हटा सकता है। अनुच्छेद 319 कहता है, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष सेवानिवृत्त होने के बाद केवल संघ लोक सेवा आयोग में कार्य कर सकता है, इसके अलावा कहीं नहीं कर सकता। अनुच्छेद 320 कहता है, संघ लोक सेवा आयोग व राज्य लोक सेवा आयोग प्रतिवर्ष सेवाओं के लिए परीक्षा का गठन करेगी। और अनुच्छेद 323 कहता है, संघ लोक सेवा आयोग के अंदर जो भी परीक्षाएं होती है उनको कंडक्ट करके राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है। फिर आगे देखते हैं, आगे आता है अनुच्छेद 370A, जम्मू और कश्मीर। अनुच्छेद 371A, नागालैंड राज्य के लिए विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 371B, असम राज्य के लिए प्रावधान। अनुच्छेद 370C, मणिपुर के लिए प्रावधान। अनुच्छेद 371D, आंध्र प्रदेश के लिए प्रावधान। अनुच्छेद 371E, सिक्किम राज्य के लिए प्रावधान। अनुच्छेद 371F, मिजोरम के लिए प्रावधान। अनुच्छेद 371G, अरुणाचल प्रदेश के लिए प्रावधान। अनुच्छेद 394, नागरिकता व निर्वाचन में 26 जनवरी 1949 से काम करना शुरू कर दिया। जो संविधान लागू हुआ वो 26 जनवरी 1950 से हुआ, ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी कि 26 जनवरी 1949 को काम शुरू हो गया था, लेकिन जो संविधान लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 से हुआ। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 395, संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद होगा, संविधान सभा के सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे। फिर आते हैं कुछ महत्वपूर्ण दिवस, इन्हें भी देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी, विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी, विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आगामी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, राष्ट्रीय सुशासन दिवस 25 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय माउंटेन दिवस 11 दिसंबर, भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 9 दिसंबर, ये काफ़ी बार पूछा गया है। संविधान दिवस 26 नवंबर, ये 2015 में पहली बार मनाया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर, विश्व एकता दिवस 31 अक्टूबर, विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर, विश्व ज्ञान दिवस 14 अप्रैल, B.R. अम्बेडकर के जन्मदिन पर। फिर आती है कुछ महत्वपूर्ण किताबें, स्वच्छ भारत ये लिखी है मृदुला सिन्हा ने, डॉटर ऑफ एवरेस्ट अरुणिमा सिन्हा ने लिखी है, द साउथ अफ्रीकन गांधी ये लिखी है अश्विन देसाई ने, द लॉ ऑफ मेडिसिन ये लिखी है सिद्धार्थ मुखर्जी ने। आगे देखते हैं, आगे मिशन इंडिया ये लिखी है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने, ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। द मिशन ऑफ इंडियन यूथ APJ अब्दुल कलाम की है, ये भी काफ़ी बार पूछी गई है। द अदर साइड ऑफ द माउंटेन ये सलमान खुर्शीद ने लिखी है। द इंडियन पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी ये मीरा कुमार ने लिखी है। 2 years 8 months and 28 nights ये लिखी है सलमान रुशदी ने, ये भी आपको ध्यान रखना है। मेकिंग इंडिया ओसम ये लिखी है चेतन भगत ने। ए जर्नी ऑफ ए क्वेरीज माइंड ये लिखी है जगन्नाथ भट्टनायक ने। फ्लड ऑफ फायर अमिताभ घोष जी ने। आगे देखते हैं, मोदी लिखी है तरुण विजय ने। गुड्स ऑफ करप्शन ये लिखी है प्रोमिला शंकर ने। भारतीय शास्त्र शशि थरूर ने। कौटिल्य बलबीर सिंह ने, ये भी ध्यान रखनी है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
नरेंद्र मोदी द गेम चेंजर, ये लिखी है सुरेश वर्मा ने। आतंक के साई में, ये लिखी है गरिमा संजय ने। आगे दोस्तों आते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो कि ये परीक्षाओं में काफ़ी बार पूछे गए हैं, वहीं से ये प्रश्न बनाए गए हैं, तो आप इन्हें ध्यान से जरूर देख लीजिएगा। मद्रास तथा बम्बई प्रेजिडेंसी को बंगाल प्रेजिडेंसी के अधीन कर दिया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, ये ध्यान रखना है। प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग को बनाया गया 1773 द्वारा, यानी कि 1773 एक्ट के द्वारा। भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई और कहाँ हुई, 1774 में कलकत्ता में, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। ये जो प्रश्न है महत्वपूर्ण बिंदु के अंदर, ये सभी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, तो आप इसे ध्यान से जरूर देखिए। इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, सर एलिजाह इम्पे। कौन सा रेगुलेटिंग एक्ट की त्रुटियों को दूर करने के लिए पारित किया गया है, ये किया गया है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। आगे देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक्ट का विस्तृत रूप ही पिट्स इंडिया था, ये दोस्तों यूपीएससी में पूछा गया है। संपूर्ण देश के लिए एक बजट की व्यवस्था की गई 1833 का चार्टर अधिनियम के द्वारा। किस अधिनियम ने सर्वप्रथम संपूर्ण भारत के लिए एक विधानमंडल की स्थापना की 1853 के अधिनियम ने। किस गवर्नर या वायसराय ने सर्वप्रथम विभाग प्रणाली की शुरुआत की, लॉर्ड कैनिंग ने, और ये अंतिम गवर्नर भी है और प्रथम वायसराय भी, ये भी ध्यान रखना है। किसके द्वारा देश के शासन में विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई, भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। किस अधिनियम द्वारा वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त हुआ, 1861 भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा। फिर आता है राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में, और राज्यपाल के पास अनुच्छेद 213 में, ये दोनों के दोनों काफ़ी बार पूछे गए हैं। किसके द्वारा भारत में प्रतिनिधि सरकार की नींव डाली 1892 में, इसके द्वारा निर्वाचन शब्द का इस्तेमाल किया गया 1892 का अधिनियम। मार्लिमेंटो सुधार किसे कहा जाता है 1909 के अधिनियम को, ये भी ध्यान रखना है। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है, लॉर्ड मिंटो को। राजनीतिक दल के रूप में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी 1906 में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किसे कहा जाता है, भारत शासन अधिनियम 1919 को। भारत शासन अधिनियम 1935 में कितने भाग और कितने धाराएं थी और कितनी अनुसूचियां थी, 14 भाग थे, 321 धाराएं और 10 अनुसूची, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जब संविधान बना उस समय 22 भाग थे, 395 धारा थी और 8 अनुसूची थी, और अभी हाल ही में 25 भाग है, 450 धाराएं है और 12 अनुसूची है, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये आप ध्यान रखिएगा। संविधान की मांग सबसे पहले किसने की थी, बाल गंगाधर तिलक ने की थी 1895 में। सातवीं अनुसूची में क्या है, केंद्र राज्य से संबंधित तीन प्रकार की सूचियां, संघ सूची जिसमें 99 विषय है, राज्य सूची जिसमें 61 विषय है, समवर्ती सूची जिनमें 52 विषय है, ये इनके जो विषय की संख्या है ये काफ़ी बार पूछ ली गई है, इसीलिए हमने इसमें ये बताया है कि संघ सूची में 99 और राज्य सूची में 61 और समवर्ती में 52 विषय है। आगे देखते हैं, अब बात करते हैं संविधान में क्या क्या कहाँ से लिया गया है। संसदीय प्रणाली, विधि निर्माण या एकल नागरिकता, ये ब्रिटेन इंग्लैंड से लिए गए हैं। न्यायिक स्वतंत्रता का अधिकार या मौलिक अधिकार, ये अमेरिका से लिया गया है। आपातकाल का सिद्धांत, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जर्मनी से लिया गया है। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, ये फ्रांस से लिया गया है। नीति निदेशक तत्व, ये आयरलैंड से। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, ये भी महत्वपूर्ण है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से, ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मूल कर्तव्य रूस सोवियत संघ से, और संघीय शासन व्यवस्था कनाडा से, और पंचवर्षीय संघ योजना, ये सोवियत संघ रूस से, ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, बाकी जो हमारी इंडियन पॉलिटी की वीडियोज़ है ये हमने 7 पार्ट में पूरी कंप्लीट की है, तो आप इससे पहले के भाग हमारे सेल्फ स्टडी पर जाकर देख सकते हैं।
और दोस्तों यदि आपको अन्य टॉपिक पर वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही। बाकी हमारे चैनल सेल्फ स्टडी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हम आपको इसी तरह की नई वीडियो या कोई भी नई जानकारी तुरंत प्राप्त करा सके। धन्यवाद।